नहीं, शॉल ले जाना भूल गई थी, अब मैं अपनी शॉल वापस लेने आई हूँ। यार देखो लास्ट मिनट हसल बसल हो जाता है। बाय मम्मी, जा रही हूँ। तो नाउ द ट्रिप फॉर कोडाई बिगिंस। अब हमारी ट्रिप शुरू हो रही है ना। फटाफट लेके निकले, भागे, सब वेट कर रहे हैं मेरा नीचे। बस अच्छे से हो जाए सारी ट्रिप, बढ़िया निकले। दैट्स ओनली द थिंग दैट आई होप फॉर। काफ़ी लंबा दूर का ट्रैवल है। और ये मेरी इसलिए मैंने ले ली है शॉल ना, कि वो थोड़ा सा कार में ठंडी वंडी लगती है ना, तो उसके लिए बेटर रहता है। चलो मिलते हैं आप, बाय। सुबह के 4 बजे से उठे हुए भूख में तड़प तड़प के फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है तड़क्कम। और हमने यहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट किया। ये इट्स अ प्रॉपर साउथ इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई एट ओवर हियर एंड इट लुक्स सो यम्मी। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बस आज मॉर्निंग से बेटर हो गया है। कल रात में आइसक्रीम खाने की वजह से मेरा पूरा गला जैम्ड है इस समय। बट लेट्स सी ये ट्रिप कैसा जाता है। मतलब ट्रिप के 1-2 दिन पहले बीमार होना वेरी बैड फॉर मी एंड आई एम फीलिंग वेरी पैथेटिक। बट अब देखो आगे कैसा होता है। बट अब तक तो मज़ा आ रहा है। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, फिर सामान वामान लेके निकल गए हैं। अभी तो तमिलनाडु में है फ्रॉम बैंगलोर एंड कोडाई की तरफ जाते हुए। देखते हैं हमारा कैसा रहेगा। मोस्टली पता नहीं, अच्छा ही जाना चाहिए। गले में बहुत दर्द है। कहीं देख रही हो कि अगर मेडिकल में मिल जाए कहीं पे वो ले लूँ, क्या नाम बोलते हैं, एक स्ट्रेप्सिल्स या कुछ विक्स वगैरह ले लूँ। गला बहुत दुख रहा है मेरे। सो अब हम लोग 250 किलोमीटर्स वहाँ से यहाँ तक चल के आ गए हैं। मतलब गाड़ी में चल के आए हैं, गाड़ी चला के आए हैं, गाड़ी में चल के नहीं आए। और मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब मेरा गला ख़राब है फुल। जितना तेज़ बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना तेज़ बोल रही हूँ। मेरे कान बंद हो गए हैं और बाकी सब तो अच्छा है। गाड़ी भी अच्छी ही चला रहे हैं लोग। मतलब थोड़ा बहुत डर लगा था बीच में, नॉट बिकॉज हु इज़ ड्राइविंग और हाउ इट इज़ लाइक। नहीं, थोड़ा रोड बड़ी सी आई थी बट मैं उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा डर जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा चुप होकर बैठ जाती हूँ फिर। और अभी तो हम 250 किलोमीटर्स आ गए। हमने एक स्टॉप लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम खा रहे हैं, फ्रूटी पी रहे हैं, नाचोस खा रहे हैं। अब इसके बाद अभी निकलेंगे, फिर रास्ता भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड विकॉर्ड करते रहेंगे और फिर देखते हैं कि कहाँ रुकेंगे। अभी लंच के लिए रुकेंगे तो मैं दिखाऊंगी लंच में मैंने क्या खाया। ब्रेकफास्ट में तो मैंने इडली खाई थी, लंच में भी कुछ लाइट ही खाऊंगी। इतनी लंबी ट्रैवल के बाद और इतना ढूंढने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं किधर, थलपकट्टी रेस्टोरेंट में। अब इधर खाना खाएंगे, देखते हैं इधर खाने में क्या ऑप्शंस है। मोस्टली बहुत मुश्किल से, मतलब काफ़ी लंबा ट्रैवल के बाद वहाँ से, जहाँ से मैंने आपको लास्ट बताया था उसके बाद से अब हम इधर रुक रहे हैं। बिट हेक्टिक, अब भूख बहुत तेज़ लगी हुई। तो करेंटली डिंडीगुल में है, डिंडीगुल इट्स ऑल्सो बेस्ड इन तमिलनाडु। तब हम रेस्टोरेंट में घुस गए हैं। ऑलमोस्ट फुल है। कम्प्लीटली फुल, फुली ऑक्यूपाइड। कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे? तो अब हम खाने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं मतलब मास्क नहीं निकाल रही हूँ, खाने के टाइम ही निकालूंगी। एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग इन सिनेमैटिक शॉट। मतलब मेरे को देखना पड़ेगा रुको एक मिनट। यार सारे वीडियो सिनेमैटिक में आ गए, पता नहीं कैसे आए हैं, मुझे खोल के देखने पड़ेंगे। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ चुपचाप वीडियो बनाते हुए शांति से अपनी कोडाई ट्रिप की। अब पता नहीं सारे वीडियोस मेरे उसमें आए हैं तो आई एम नॉट श्योर,
वो किस तरह से आए होंगे, क्योंकि आई हैव टेकन एवरीथिंग इन अ सिनेमैटिक शॉट. नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट आई थिंक सो इन डिंडीगुल. काफ़ी बड़ा है, अच्छा है. तलक का पट्टी रेस्टोरेंट पे हमने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खा लिया. खाना बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी टेस्टी खाना था, बहुत बहुत टेस्टी था. प्राइसिंग भी हिल स्टेशन के हिसाब से थोड़ा चलो ठीक ही है, अच्छा था. टेस्ट भी बहुत अच्छा था उन लोगों ने. अगर हमने उनसे कहा कि जब मसाला कोक आपका अच्छा नहीं है, तो उन्होंने हमको कॉम्प्लीमेंट्री रसगुल्ले भी दिए. तो काफ़ी अच्छा खाना था, पेट भर गया, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी. दो हर जगह मैंने इसके यूट्यूब पे, मतलब गूगल रिव्यूज़ पढ़े थे, क्वांटिटी इज़ लेस. द क्वांटिटी वाज रियली गुड फॉर द फूड एंड द फूड वाज आल्सो वेरी ऑसम. मस्ट ट्राई अगर कोई भी बैंगलोर टू कोडाई जा रहा है, या फिर मतलब कहीं से भी अगर डिंडीगुल रस्ते में पड़ रहा है, तो दैट पर्सन कैन फॉर श्योर कैन विजिट तलका पट्टी फॉर लंच. इट्स अ रियली गुड ऑप्शन. तो ऑल नहीं आएगा वो, करते रहो, आएगा ही नहीं इस तरफ, आएगा ही नहीं, कुछ भी करते रहो, कैमरा का लेंस में ही तरफ है. तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है कार ने अपने आप. तो अभी हम लोगों ने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है. मोस्टली थोड़ा सा रिस्की है, मेरे को डर लग रहा है. मैं तो सो गई थी, झटका लगा ऑलमोस्ट, मतलब मैं एक तरफ से दूसरी तरफ गिरी तो मैं उठ गई. तो जो ड्राइवर है बहुत बकवास चलैया है, गाड़ी बहुत बहुत बुरी चलाई जा रही है. मतलब जैसे नहीं वो रथ की रेस लगी है कि कौन पहले होड़ लगा रखी, कौन पहले पहुंचेगा कौन. तो अभी हम लोग बीच में, फिर से मैंने बताया था ना, हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि मुझे नारियल दिख गए मेरे को. मैंने कहा तमिलनाडु में स्पेशल है शायद, वहाँ भी मैंने देखा है, बैंगलोर में ऐसी बात नहीं है, पर मैंने कभी पिया नहीं है. ग्रीन वाला हमेशा पिया है. तो अब मैं देखती हूँ कि ये लाल वाला नारियल कैसा है, क्योंकि है तो है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे है. लोगों को कि देखो 52 किलोमीटर्स है अब यहाँ से कोड़ाई. बस अब निकल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, अब मिलते हैं चल के आपको, कोड़ाई के अंदर ही मिलेंगे डायरेक्ट अब.